नमस्कार, जय जगन्नाथ। उड़िया एडोब फोटोशॉप ट्यूटोरियल को मु अजित कुमार महापात्र आपण मानंकु समस्तंकु स्वागत जनाउछि। एडोब फोटोशॉप ट्यूटोरियल रो प्रथम अध्याय रे मु आपण मानंकु टूल्स विषय रे संक्षेप रे कहिबी। टूल्स विषय रे कहिबा पूर्वरु मु प्रथमे मेनू बार को जाई फाइल मेनू साहाज्य रे ओपन बटन को दबाई जे कोनोसे गुटे फोटो सिलेक्ट करी ताहाकु सॉफ्टवेयर भीतर को आनी टूल्स रो व्यवहार विषय रे कहिबी। वर्तमान आपण माने देखुछंती मु नीताय गोरंग फोटो को सेलेक्ट करी सॉफ्टवेयर भीतर को आनिली। एही फोटो रे नीताय गौर गोटाए फाइल रे अछंती, माने गोटाए पार्ट जुड़ी होई अछंती। मूव टूल द्वारा मु आपण मानंकु देखाई देउछि। देखंतु एही फोटो को मूव कले दुई जणंक फोटो मूव हेउछि, माने दुई जणक फोटो जुड़ी होई अछि। वर्तमान ई फोटो को मु अलग करिबे। मु वर्तमान रेक्टुग्लर मार्की टूल साहाज्य नहीं एमानुंकु अलग करिबे। देखंतु रेक्टुग्लर मार्की टूल रे मु जे अंश सेलेक्ट करी ताहा अलग मूव हो। संक्षेप में कहवाक गले रेक्टुग्लर टूल आमे कौनसी गुटाए फोटो निर्दिष्ट स्थान को सेलेक्ट करी ताहा अलग करिबा कामरे लगाई थाउ। आहुरी अनेक किछि रेक्टुग्लर मार्की टूल साहाज्य रे आमे करि परिबा ताहा मु आपण मानुंको अन्य कोनोसे ट्यूटोरियल रे कहिबे। व्यवहार योग्य बेले वर्तमान आमे लासो टूल्स विषय रे जानिबा। साधारणतः लासो टूल फोटोर अंश सेलेक्ट करिबा कामरे आसी थाए, जथा एको ही लासो टूल कहा जाए। एबे मु यही फोटो को सेलेक्ट करी देली। सेलेक्ट करिबा परे एहा एको अलगा पार्ट भावे परिणत होई गला। यही फोटो को आमे जदि अन्य कोनोसी बैकग्राउंड रे रखिबा को चाहिबा ताहेले रखि परिबा। मु आपण मानकु देखौछि यही फोटो को अन्य एको बैकग्राउंड रे लगाई। प्रथमे मेनू बार को जाई मेनू बार को जाऊँ ओपन बटन साहाज्य रे कौन सी एक बैकग्राउंड फोटो सेलेक्ट करी सॉफ्टवेयर भीतर को आनली। सॉफ्टवेयर भीतर को आनिबा परे मु जो नीताय गौरंग फोटो सेलेक्ट करी से सेलेक्ट स्थानटी को मुझे बैकग्राउंड को टाणिकी नहीं गली। बैकग्राउंड देखुन नीताय गौरंग फोटो बैकग्राउंड सेट नौ ना, तो आमे को बैकग्राउंड रे बराबर सेट करिबा। बैकग्राउंड रे बराबर सेट करिया को हेले आमको शिफ्ट ऑल्ट की दबाई एमिति ऊपर तल को टाणिकी रखिबा। शिफ्ट आउ ऑल्ट की दबाइबार माने हला शिफ्ट ऑल्ट की दबाइले आमर जो फोटोटा आमे जो ए बैकग्राउंड रे सेलेक्ट मतलब सेट कले
ସେଟା କ୍ରସ୍ ହେବନି, ଯେମିତି ଥିଲା ଯେଉଁ ଏଙ୍ଗଲ ମାନେ ଫଟୋ ଅଛି ସେଇ ଏଙ୍ଗଲ ରହିବ, ହାଇଟ୍ ବିଡ଼୍ଥ କିଛି କମିବନି। ସେଇଥିପାଇଁ ସିଫ୍ଟ ଅଲ୍ଟ ବଟନକୁ ଦବାଇ ସାଇଜ ଛୋଟ ବଡ଼ କଲେ ସାଇଜ ବରାବର ସାଇଜ ଆସେ। ତ ଆପଣମାନେ ଯେବେ ଫଟୋ ଛୋଟ ବଡ଼ କରିବେ ତ ସିଫ୍ଟ ଅଲ୍ଟ ବଟନକୁ ଦବାଇ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାଇଜ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସାଇଜ ଯେଉଁ ସାଇଜ ଫଟୋଟି ଥାଏ ସେଇ ସାଇଜ ଆସେ, ଫଟୋର ସାଇଜ ଆପଣଙ୍କର ବଦଳେନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସିଫ୍ଟ ଅଲ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ଫଟୋଟିକୁ ନେଇ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସେଟ୍ କଲି। ଲାସୋ ଟୁଲ୍ର ବ୍ୟବହାର ଆହୁରି ଅନେକ ଜାଗାରେ ହୁଏ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ସବୁ ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କହିବି। ଆଜିର ଏହି ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ଆଗାମୀ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କିଛି ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍ସ ନେଇ ଆସିବି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।